श्रीमत्सद्गुणशालिनं चिद्चिदिव्याप्तं च दिव्याकृतिं जीवे साक्षरमुक्तकोटिसुखदं नैकावताराधिपं ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरैवेदादिकीर्त्यं विभुं तन्मूलाक्षरयुक्तमेव सहजानन्दं च वन्दे सदा जेनियमृतवाणितो वैरै साक्षात् महिमारूपे जेनि ब्राह्मीस्थिति अहोलिनकरे सुभव्यक्षरपदे शरणागत निज अल्प जीव सौनाश्रयार्थ तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विगुणे हयो तो वंदन करे सहजान स्वामी महाराज नी जय अक्षर पुरुषोत्तम महाराज नी जय प्रत्यक्ष धाम धामी मुक्तो नी जय 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 गुरुहरि काका जी महाराज गुरुहरि पप्पा जी महाराज बंधु बेलड़ी शताब्दी महोत्सव की जय आज के आनंद की जय सभी गुणातीत स्वरूपों की जय 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 गोल सेटिंग बहुत अच्छा सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और सबने बोल दिया है। बहुत लोगों ने मेरे पास भी आए बहुत लोगों का सबका गोल आया है मगर ये जो बात बहुत अच्छी तरह से समझाई जीवन में कोई गोल नहीं है डायरेक्शन नहीं है ध्येय नहीं है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ध्येय निशान के ऊपर दृष्टि तो होनी चाहिए और ध्येय बहुत ऊंचा होना चाहिए। इसलिए बोलते हैं ना कि निशान चूक माफ मगर नहीं माफ नीचू निशान। गुणातीतान स्वामी के टाइम में गुणातीतान स्वामी रास्ते में से जा रहे थे। स्वामी बोलते हैं कि सब ऐसे ही दौड़ रहे हैं किसी को कुछ मालूम नहीं है हम कहाँ जा रहे हैं। तो साथ में मेरे जैसा सेवक होगा तो पूछा स्वामी वो कैसे तो स्वामी ने तुरंत एक लड़का दौड़ के जा रहा था और इधर आ रहा था वापस दौड़ा स्वामी ने उसको रोका कहाँ जा रहे है? क्यों दौड़ रहा है तो क्या ऐसे ही तो बोलते है, देखो ऐसा है तो हमारी दौड़ हमारा जो भी वर्क कार्य अगर गोल नहीं होगा तो ऐसे ही जीवन पूरा हो जाएगा और बाद में हम सोचेंगे अरे कुछ किया नहीं। तो गोल पक्का होना चाहिए और उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी दिया है काका जी ने। जब भी छोटे थे तो कितना बड़ा गोल रखा कि भाई मेरे को स्वर्ग को पृथ्वी पे लाना है। खाली इतना सुना उसके ऊपर से उतने गोल दिए स्वर्ग को पृथ्वी पे लाना। और काका जी बोलते थे हमने अक्षरधाम पृथ्वी पे लेके आए योगी जी महाराज की पहचान सबको करवाई और वो उससे ऐसा अक्षरधाम खड़ा हो गया। तो ऐसा जो भी गोल काका जी के जीवन में देखेंगे तो उसने इतने इतने कार्य किए तो वो कार्य सबके पीछे उनका ये था कि मेरे को ये करना है। इसी तरह से हम हर रोज लॉन्ग टर्म गोल शॉर्ट टर्म गोल ये सब सबने बहुत अच्छा लिखा है उनके ऊपर हमारी दृष्टि होनी चाहिए बस। और वो दृष्टि होनी चाहिए तो हम उसके डायरेक्शन में दौड़ेंगे। जाना है दिल्ली और हम कलकत्ता के डायरेक्शन में जाएंगे तो दिल्ली नहीं आएगा। तो जो भी गोल है उसके लिए समझो डॉक्टर होना है और हम इंजीनियरिंग का पढ़ेंगे तो डॉक्टर नहीं हो सकते।
इसी तरह से जो भी गोल सेट करना है उसके फिर उसके पीछे वो डायरेक्शन में जाना चाहिए। उनका जिसने ऐसा सिद्ध किया है, जिसने वो गोल अचीव किया है, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे संत को, कि ऐसे जानकार को हमें मिलना चाहिए, उसके साथ हमारी दोस्ती होनी चाहिए, तो हम वो गोल हासिल कर पाएंगे। भाई इसने गोल हासिल किया है, तो ऐसे वो भी ढूंढ लेना चाहिए कि भाई मेरे को ये गोल हासिल करना है, तो ऐसा कौन है जिसने ऐसा गोल किया है, उसके पास, उसके साथ में हमारा बैठक उठक बातें चीते वो होनी चाहिए। तो वो बताएंगे भाई ये रास्ते पे जा, तुमको वहाँ पहुँचना है तो ये इधर उधर मत जा, ये रास्ते पे चले जा। तो वो भी एक बहुत ज़रूरी बात है। तो आज हम इसी प्रार्थना करेंगे काका जी के चरणों में, सबने जो जो गोल सेट किया है उनका ऐसा सच्चा ऐसा मार्गदर्शन मिले, वो डायरेक्शन में हम दौड़े और हमारा वो आदर्श लाइव वो भी हमारे सामने हमेशा रहे कि ये मेरा आदर्श है, ये मेरे को, उससे मेरे को प्रेरणा मिलती है। तो ऐसा हम प्राप्त करें आज के दिन ऐसी प्रार्थना करते हैं। हे काका जी, आप मेरे सब युवक मंडल को, जिसको जिसको कुछ करना है जीवन में, जिसने ऐसा गोल अचीव करना है, ऐसा गोल रखा है, वो सबको आप ऐसा सद्बुद्धि देना, ऐसा बल देना, ऐसी डायरेक्शन देना कि जिससे वो उससे चलित न होए। गोल में जब पहला ही बताया, हाँ, कि भाई मैं इतनी बार फेल हुआ, इतनी बार मेरा एक खरा खलास हो गया, और इतनी बार मैं एकदम एंड पे पहुंचा और लॉस किया, तो भी बोलते हैं मैंने जितना फेल्योर हुआ वही मेरी सक्सेस, उसे ही मेरे को सक्सेस को पहुंचाया। तो ये बात को हम हमेशा अपने नज़र के सामने रखें। तो हम यही प्रार्थना करते हैं काका जी के चरणों में, पप्पा जी के चरणों में, स्वामी जी के चरणों में, वसी भाई, बापू, दिनकर भाई, ऐसे सब गुरु जी, सब संतों के चरणों में, कि हमें ऐसा बल बुद्धि और प्रेरणा मिले और हम सत्संग के लिए, अपने मित्र मंडल के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, और हमारे जो भी नियर एंड डियर से, उसके लिए ऐसा कुछ कर पाए और जीवन को धन्य बनाए और ऐसे हमारे गुरुजनों को हास पहुंचाए, यही प्रार्थना सहजान स्वामी महाराज की।